विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में वन विभाग युवा शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान पर प्राथमिक चिकित्सालय मोरी में जिला विधिक प्राधिकरण सेवा और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से देवदार, आड़ू, अनार के पौधे लगाए गए। साथ ही वन क्षेत्र अधिकारी रामकिशन कुशवा शांद्रा और युवा शक्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष मुकेश चौहान ने युवाओं को पर्यावरण को बचाने के लिए संदेश भी दिया। मोरी से हरीश चौहान की रिपोर्ट। द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, इस अवसर पर क्या कार्य किए जा रहे हैं पर्यावरण बचाने के संबंध में या पर्यावरण को अच्छा पर्यावरण बनाए रखने के लिए? ये आज युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है यहाँ पर, इनके साथ हमने कोलैबोरेशन में एक प्लांटेशन का एक हमने इवेंट यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि आज हमने कई तरह के पौधे लगाए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, आड़ू है, अनार है, इस तरह के हमने पौधे लगाए हैं, देवदार हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे साथ और भी जैसे फॉरेस्ट और हॉस्पिटल के जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, ये सबसे अच्छा एक संदेश है हमारे साथ हमारे लिए कि हम अकेले नहीं हैं इस काम को करने में। और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा जो लोग आज हमारे साथ यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं और उन्होंने अपना योगदान दिया है। युवा शक्ति फाउंडेशन जो है, इसका आगे क्या प्लान है पर्यावरण को बचाने के लिए? हमारा बेसिकली ये है, अभी हमने इसकी पहल करी है, हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। आने वाले टाइम में हम लोग सबसे पहले तो जो पौधे लगाए हैं हम उसको संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे, और आने वाले टाइम में हम और भी जैसे बांज, बुरांश, देवदार, इनके हम हर साल पौधे लगाएंगे। जैसे अभी ये विश्व स्तर पर आज का दिन एक निश्चित किया है कि आज ही इसको पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो एक सूटेबल टाइम होता है हम बरसात के टाइम में, वो भी हम एक उसका प्लांटेशन करेंगे। वो हमारा युवा शक्ति फाउंडेशन की तरफ से एक अलग से एक योगदान रहेगा, क्योंकि वो एक सूटेबल टाइम है अभी। जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा मोताड़ में वृक्षारोपण किया गया और स्वास्थ्य केंद्र मोरी में भी पौधों का रोपण करवाया गया, और इसके बाद थोड़ा सफाई अभियान चलाया गया। इसके अतिरिक्त वन विभाग द्वारा जो ग्रामीण हैं और वन सरपंच हैं, उनका क्या सहयोग लिया जा रहा है पर्यावरण के लिए? वो भी सहयोग दे रहे हैं, अपना साथ में ही हम। अच्छा, तो आगे क्या क्या कार्यक्रम चलेंगे जो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, चाहे आगे हरेला हो, क्या कार्यक्रम आगे आयोजित किए जाएंगे? इसमें भी जन सहभागिता के अंतर्गत पौधों का रोपण किया जाएगा वन पंचायत और सिविल वर्क भूमि में। और जो आम जनमानस है, विश्व पर्यावरण दिवस पर आप क्या अपील करेंगे? सभी को पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है।